आज मैं आपको प्रोटोकॉल ना दिखाऊं ना तायर भाई, फिर कहना आप सर लेवल है आपका, अलग ही लेवल है। मैं इसलिए मैंने कहा कि तायर भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहले यहां पे साहब की चीज है, यहां पे स्पीकर साहब बैठ के यहां से चीयर करते हैं। ये पूरा सब की सबसे बड़ी हाल आदमी है यहां पे, हर किसी को इंसाफ की उम्मीद है। अल्लाह ताला करम करे, सबके गला करे, यहां पे सबको इंसाफ, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे जो अपने इलाके के लिए कुछ काम करे, अपने मुल्क के लिए काम करे। भाई गुलाम नहीं, कैप्टन भाई कमाल मोहब्बत कमाल मेहरबानी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है, तबीयत से ठीक है? मैं हूं मलिक ताहिर और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ताहिर ऑफिशियल। आज मैं अपने क्या कहते हैं सुदैस भाई के पास आया हूं। सुदैस भाई का मैं बिग फैन हूं, बहुत बड़ा फ़ैन। हम ताहिर भाई के फ़ैन हैं, ये देख लें। इस्लामाबाद में आए हुए हैं सुदैस भाई के पास, और ये रिजवान भाई हमें देख रहे हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं, हम व्लॉग शूट कर रहे हैं। और सुदैस भाई के पास हम रात यहाँ थे, क्योंकि रास्ते का व्लॉग हमने नहीं बनाया, मैं यहाँ पे पहुँच गया था। तो आज हमने आज एक सरप्राइज दे रहे हैं आपको, दुआ करो तो पूरा हो सरप्राइज। हाँ, जो हम बहुत लेट हो चुके हैं, अभी उधर ही जा रहे हैं, टाइम बहुत शॉर्ट है, क्योंकि दिन तो अभी होता है ना 12-1 बजे के बाद, या बड़े बड़े शहरों में तो ये माहौल देख लें। बाकी मुबशिर की तबीयत सही नहीं है, रास्ते में मुबशिर की तबीयत आपको मुबशिर से मिलवाते हैं। बाकी आगे जहाँ चल रहे हैं हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि आज मज़े का व्लॉग होने वाला है। इस्लामाबाद पाकिस्तान के कैपिटल सिटी में हम मौजूद हैं। रोड क्रॉस करना तो यहाँ ऐसे है, अपने शहरों में तो भाग भाग के रोड क्रॉस कर जाते थे, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, रोड क्रॉस करना मसला होता है। सुदैस भाई की ड्रेसिंग चेक करें, लेवल लग रही है। तो यहाँ से जो है ना रोड क्रॉस करते हैं परली तरफ। 1 2 3 गो, भाग भाग के रोड क्रॉस करें। अभी बस पास ही है, मुबशिर के पास ही जा रहे हैं उधर, मुबशिर भाई की दुकान पे पहुंच गए मैं। चलो मुबशिर भी बैठे, वो चश्मा लगा के बैठे हुए हैं। मुबशिर भाई से मिलवाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम, 1 2 3 अस्सलाम वालेकुम। मुबशिर भाई कैसे हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। ये हमारे भाई हैं यूट्यूबर, आप जानते होंगे ऑलरेडी। सर सर मोहब्बते हैं, ये मुबशिर भाई हैं, फैन और भाई आपके फैन है। तो तबीयत कैसी है मुबशिर भाई? हाँ, सुदैस भाई ने बताया कि आपकी तबीयत। हम फ्रूट लाना भूल गए, हम लेके आ रहे थे ना रास्ते में, है ना? ये बात सही है। फिर मैंने कहा कि पहले फ्रूट लेकर आए थे, वो मैंने फ्रिज में रख दी, मैंने बोला खाऊंगा डायरेक्ट, ताकत ना। अच्छा अच्छा, और सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। दुआएं एक जगह पे चल रहे हैं, चलने का सीन है कि नहीं? हां सर, एक जरा इंट्रोडक्शन दस दियो, कोई मसला के नहीं? असल में मैंने पहले के जाते हो जा, मतलब के डीएपी जाए जी, था आवाम को, मतलब के आवाम जोर ले लिया एक बंदे पुजावण वास्ते। ओ सस्पेंस ही पैगन सो मुबशिर भाई, पता है नाश्ता मास्ता नाश्ता करना है पर नाश्ता। हां, और तैयार भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामाबाद का माहौल सारे, इस्लामाबाद में तो अभी आंख खुली है, रात को तो सोए पड़े थे। सही हो तैयार भाई, हैं तुम्हारे वीडियो सही कहने आंदी पे कौन हाल वाल कर सकता है? रिजू साहब ए सारे मसात, ये हमारे मसात हैं दुनियापुर से हुए हैं, ये मुबशिर भाई हैं जो दुनियापुर से है ना, ये नपना दुनियापुर। हाँ, ये मुबशिर भाई बेसिकली दुनियापुर से हैं, मतलब कि इनका नान का खानदान वहाँ से। रिजवान भाई को आप जानते हैं, तहर ऑफिशियल भाई को भी जानते हैं आप। हाँ, ये सीन्स हैं कुछ तो। आज खैर ड्रेसिंग चेंज है भिरा दी, चश्मा का आ गया, चश्मा लगाओ ना सरकार, चश्मा दिखाना। आज तहर भाई की व्लॉगिंग सुदैस हाशिम व्लॉग पे हो रही है, ये देख लें, चश्मा लगाओ ना सरकार। ट्राई करो, केड़ा सोना केड़ा दे, सोना केड़ा दू तैर भाई को दो, सारे ने उठी सी तैर भाई को दो, ए सारे जो मुबशिर इसका सेट करना, तैर भाई का सेट करना जैसे तुम। हाँ हाँ, दो दो अब तू तू पानी, ए प्रोफेशनल बंदा ही वे, वाह वाह। चश्मा पास नहीं करना, जिसका काम उसी को समझो, जिसका है ना उसी को ये उससे छूट कर। आई व्लॉग मैं नहीं तो बम बड़ा बढ़ गया व्लॉग, तेरे तो मिल सु शाम दूंगा मिलने गपशप करे तू, तो व्लॉग
ओके करें नाश्ता मिल जाओ ओके। नाश्ता जो है ना हमारा आ गया है, चने और रोटी। टाइम हो गया तकरीबन कितना, ढाई का टाइम हो गया, ढाई बजे जो है ना नाश्ता करें, क्योंकि अभी उठ के आए हैं नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। 10 बजे जल्दी करें, भूख लग रही है। रिजवान भाई कब तक लगी उसे सब करो ज़्यादा लगी। रिजवान भाई बैठी हो गई हमारी पार्लियामेंट हाउस में नेशनल असम्बली का, तो ये सामने देखें पार्लियामेंट। अभी आगे जाएंगे ना तो कलमा शरीफ लिखा हुआ है। आज मैं आपको प्रोटोकॉल ना दिखाऊँ ना ताहिर भाई, फिर कहना आप सर लेवल है आपका, अलग ही लेवल है। मैं इस वजह से मैंने कहा कि ताहिर भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पहले यहाँ से पहले शूटिंग करते हैं, पिक्चर वगैरह बना लें, बाकी का माहौल फुल प्रोटोकॉल मैंने ताहिर भाई को दिखाना है। इस्लामाबाद में घर आवाम कुछ कौन ले गया, लव यू ब्रो, कौन लेके गया यहाँ पे, पहले पिक्चर शूट कर लें फिर अंदर का ऑफिशियल ब्रांड ब्लॉग्स ब्रांड। एंट्री जो है ना अंदर आ गए हैं मेन हॉल में, जहाँ से आगे ये सामने लेडी सेनेटर्स सर्विस सेंटर है। आगे यहाँ पे ये डिप्टी स्पीकर है ना, आई थिंक ये डिप्टी स्पीकर है, ये तकरीबन सारों की हाँ असम्बली में जो डिप्टी स्पीकर रहे हैं ये सारे देखें। ये वो आखिरी कासिम खान सूरी के बाद, हाँ कासिम खान सूरी जिंदाबाद, हमारे मुर्शिद का जो सिपाही जहद अकरम दुरानी। और ये बाकी देख सकते हैं, अभी आगे जा रहे हैं, लाइब्रेरी भी है सामने, लाइब्रेरी में भी जाएंगे, बाकी अंदर का निज़ाम असम्बली का। सो दैट्स भाई ब्रांड ब्रांड हमारा, ये जितने वज़ीर आज़म है ना सारे, उनके लिए केक और चाय जो है ना पेश कर दी गई है, चाय पी लें उसके बाद जो है ना बाकी का विजिट करेंगे इंशाल्लाह। साहब अभी कॉल कर रहे हैं, सुदेश भाई आप पीते तो नहीं है वैसे चाय? बस वैसे पीनी पड़ गई है, चलें रिफ्रेशमेंट कर लें, इसकी बड़ी मिन्नत है कि चाय पी लें, लेकिन अभी रात मैंने नहीं पिया ना, रात आपने तो नहीं पिया। और मेंबर्स ओनली, इधर ही लाइब्रेरी वगैरह ही है इसी साइड के अंदर, ये शोभा तहकीक को कुतुब खाना, ये लाइब्रेरी के अंदर अभी पहुँचे हैं। हाँ यार यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, इतनी सारी बुक्स जो लगी पड़ी है, सारी अलमारी की अलमारियाँ बड़ी हुई हैं, लाइब्रेरी में आ गए हैं और यहाँ पर बुक्स के स्टॉक हैं, बंडल हैं सारे, और यहाँ पर साफ ज़ाहिर है कि यहाँ बुक्स तो नहीं होंगी, हाँ तो कोई कानून वगैरह की या कोई हिस्ट्री की वगैरह की कोई होंगी, ये लगा हो ना ट्रैवल जियोग्राफी एंड हिस्ट्री बायोग्राफी की, बायोग्राफी बहुत अच्छी है, बहुत लाइब्रेरी बड़ी है, किताबें भी इतनी सारी काफ़ी सारी बड़ी बड़ी है ना, उर्दू की भी है इसमें, हाँ उर्दू बुक्स, क्योंकि हमारे ज़्यादातर मोस्टली जो MN MBA बन के आते हैं ना वो ज़्यादातर नहीं पढ़ सकते, तो उर्दू बुक्स हैं उनके लिए, हमारे जो MN MBA उनको भी ये पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, ये सिर्फ दिखावे के लिए ना हो और ये पढ़े उनको से कोई अच्छा सीखे, ये बहुत है और हमारे मुल्क के लिए कुछ अच्छा सोचे इन किताबों से पढ़ के, फिर भी मतलब बार उधर आगे केस हुई बात, पार्लियामेंट कॉमनवेल्थ और अपनी डिप्लोमेसी की फिनांस की इतनी बुक्स पढ़ी हुई हैं। चले अभी बाहर देखते हैं, ये सामने लग रहा है हमारी इकोनॉमिक्स अच्छी हो जाए, ये पढ़ ले। हाँ बिल्कुल, ये चेक करें जी, लीडर ऑफ द हाउस चौधरी लियाकत अली है, पहला कौन से हमारे जो मुर्शिद है ना, ये मुर्शिद इमरान अहमद नियाजी। अभी अंदर असम्बली हॉल में चक्कर लगाएंगे, हाँ सुदेश भी बना रहे हैं, मैं भी बना लूँ, ये मेरा मुर्शिद खड़ा है, बाकी ये भी जो है जितने सारे वज़रा आज़म हैं, लेकिन अभी एंट्री करते हैं आगे देखते हैं। ये स्पीकर साहब की चेयर है, यहाँ पे स्पीकर साहब बैठ के यहाँ से चेयर करते हैं, ये पूरा असम्बली हॉल माशाल्लाह से अल्लाह पाक के 99 नाम जो है ना ये देखें, यहाँ पे जो है ना असम्बली जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो यहाँ पे सारी की सारी चेयर्स बिल्कुल खाली हैं, ये देखें कायद अजम मोहम्मद अली जिनाह साहब, ऊपर मीडिया होते हैं
ये पोजीशंस की चेयर है मतलब, और गवर्नमेंट वाले की ये है फिर एमएनए बनने के बाद मिनिस्टर तब बनेगा जो एमएनए होगा। आम आदमी नहीं बन सकता, नहीं वो यहाँ से नीचे आ सकता है, चाहे चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो। चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पर हाँ, वो उधर बैठेंगे गैलरी में। सही है। और वो भी स्पीकर साहब के मेहमान के तौर पर। सुन रहे हो ना, चलो वहाँ से निकल के असम्बली के अंदर से भी बाहर आ गए। ये वज़ीरे आज़म स्पीकर, हाँ ये सारे स्पीकर साहब, ये अंदर गैलरी में ही हम फिर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा स्पीकर चैम्बर ये है, और उनकी सारी पिक्चर्स वगैरह यहाँ पे लगाई हुई हैं दीवार में, फ्रेम भी बहुत ज़बरदस्त है। असम्बली हॉल में, गैलरी में, लॉजेस में मज़ा आ रहा है। लेकिन ये है कि हम लोग इन्हीं MPM ने वोट दे के यहाँ पर भेजते हैं ताकि हमारे मुल्क के लिए, अपने इलाके के लिए कुछ काम करें। तो अल्लाह पाक उनको हिदायत दे कि वो अपने इलाके के लिए कुछ काम करें, अपने मुल्क के लिए काम करें। अल्लाह पाक। ये वज़ीर आज़म चैम्बर है, प्राइम मिनिस्टर का चैम्बर। ये हमारा मुर्शिद अभी जो है ना ऑफिस में बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। वेट क्या कर रहे हैं, घूम फिर के आए साहब शाम के ऑफिस में बैठे। दोस्त ने कहा कि उनके स्केटरी ने कहा कि सैफ के खाना खा के जाना, खाना ऑलरेडी हमने अभी खाया हुआ था, इस वजह से हमने खाना नहीं खाया। तो ये बाहर खड़े हैं वेटिंग के लिए, उन्होंने कहा कि चलो आप थोड़ा रेस्ट कर लें यहाँ पे बैठ के ऑफिस के अंदर, थोड़ा ऑफिस दिखाएंगे। हाँ ये ऑफिस है, ये ऑफिस है इफ्तिखार साहब लुकमानी साहब का, तो ये ऑफिस है। तो हमारे दो बहुत ही अच्छे कोलीग्स हैं, दोस्त भी हैं। तो हमने कहा कि तहर भाई को थोड़ा विजिट करा दें नेशनल असम्बली, कैसा लगा आपको? ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा। टीवी में देखते थे, अब लाइव आज हमने लाइव ऐसे प्रोग्राम किया ना, आप देखेंगे आप कहेंगे कि वाकई ब्रांड है। रिजवान साहब आप क्यों परेशान है? जो मेन दोस्त रिजवान साहब हैं सर, जो हमें ले के आने वाले हैं हमारे, रिजवान साहब बिल्कुल, इनके रेफरेंस से हम यहाँ पे पहुँचे हैं। ये हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, और सुदैस भाई के तो कज़न ही हैं, समझे दोस्त हैं हमारे, बहुत अच्छे हैं दोस्त ना, बिरा हैं। क्या है सर? वी आर ऑल ब्रदर। और गुड, वी आर ऑल ब्रदर। पहले कैमरा मैं कहना था कि बिरा है, गुड गुड, लव यू सो। अभी जो है ना इस असम्बली से बाहर निकल के आ रहे हैं, क्योंकि सारी आवाम टाइम हो गया 5 का, सबको छुट्टी हो गई, तो हमें भी छुट्टी हो गई। हम भी जा रहे हैं बाहर ही, आगे मेन गेट है। ये सामने जो है ना सुप्रीम कोर्ट है, और वो उस तरफ वज़ीर आज़म हाउस है। अभी उस तरफ चल रहे हैं आगे, एक बच्चा है क्योंकि मैं आपकी बात होता था, आज हम लेट हो गए 5 बजे, ये सारे कुछ बंद हो जाता, अगर हम जल्दी आ जाते ना सारा कुछ अंदर से मैं दिखलवाता आपको। ये बात भाई का थैंक्स बोल देते हैं आपको, बहुत शुक्रिया। वैसे हम सप्तन भाई गुलाब नहीं, सप्तन भाई कमाल मोहब्बत, कमाल मेहरबानी, ये मतलब अंदर ये सामने सुप्रीम कोर्ट के हम पहुँच गए। सुप्रीम कोर्ट आप पाकिस्तान के बिल्कुल सामने खड़े हुए, मज़ा आ रहा है, सुकून आ रहा है। लेकिन मज़ा तब आएगा जब यहाँ से इंसाफ मिलेगा, कहते सुधैन भाई इंसाफ होना चाहिए तभी तो मज़ा आएगा ना। क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी आला आदमी है, यहाँ पे हर किसी को इंसाफ की उम्मीद है। अल्लाह ताला करम करे सब पे, अलग रहे यहाँ पे, सबको ही इंसाफ मिले। सर आप भी कुछ कमेंट पास कर दें। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक सबको खुश रखे। आप समझ तो गए, अंदर त्यौहार बजने लगे, मैंने कहा ढोल बजने लग गया सुप्रीम कोर्ट के। हाँ सबको खुश रखे अल्लाह पाक, हमें देखने वालों को भी खुश रखे, और हमें भी खुश रखे बनाने वालों को भी। वॉक करके जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा सफ़र हमें पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि आते हुए हम वहाँ से पैदल चल के आए थे यहाँ तक गेट से, वो जहाँ से गाड़ियाँ एंटर होती हैं। वो एक गलती हमसे ये हुई, तहर भाई को हमने कहा कि गाड़ियाँ ही पार्क करें, वालू डाओ टूटते भजते बद यहाँ से, हमारा तकते हैं यहाँ पर घर, तो मतलब कि ज़्यादा 5-10 मिनट का सफ़र है इसलिए तो यहाँ से। लेकिन ये सामने पार्लियामेंट, और पीछे वज़ीर आज़म हाउस, और सुप्रीम कोर्ट पीछे ही है। भैया गाड़ियाँ आप देख सकते हैं, रहने की जो जगह है ना, पार्लियामेंट लाजिस, ये हैं मतलब कि जो पाकिस्तानी अवाम के पैसे लगे हुए हैं इनमें। आप देख सकते हैं कि वैसे ये किसी काम के नहीं है, MNA MP के बेटे यहाँ पे
मतलब कि मौज मस्ती कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी अवाम का पैसा लगा हुआ है वैसे, ये आप देख सकते हैं वहाँ से सामने। हम वहाँ से आपको विजिट कराते हैं थोड़ा सा, हम गुजर रहे हैं यहाँ से आपको विजिट कराते हैं। ये सामने है पार्लियामेंट लॉजेस, ये देख लें आप, आवाम इंजॉय कर रही है, किसकी, गरीब नहीं, एम एंड एम पी एस के जो आवाम बच्चे हैं ना, वो फैमिलीज वो इंजॉय कर रहे हैं।